गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आपका लीला मंक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस बड़े दिनों बाद वीडियो मिल नहीं रही थी कुछ, तो मैंने सोचा चलो आज मैं बना रहा था एक रेसिपी तो आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोगों के साथ ही शेयर करता हूँ। आज मैं वाइट टिक्का बनाऊँगा। मैंने 8 पीस लिए हैं, बड़े बड़े काट के लेकर आया था मार्केट गया था, चिकन लेकर आया था, फ्रेश चिकन है तो उनको मैंने कट लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं ये कट मैंने लगा दिए हैं पूरे चिकन के। तो इसमें मैं डालूँगा अदरक 1.5 चम्मच, लहसुन 1.5 चम्मच और धनिया और सब मिर्चें 1.5 चम्मच चाहिए भी। तो इसमें मैंने मिर्ची डाली थी 4 पीस 5 पीस ये डाले थे। और आ गया जी नमक, आ गया 1 चम्मच और 1 चम्मच और करी मैंने ली है तो ये मैं अपने हिसाब से यूज़ करूँगा, 1 चम्मच यूज़ करूँगा 1.5 चम्मच। और ये आ गया दही, दही है ये 1 कप पे, तो 1 कप में ये डालूँगा दही। तो शुरू करते हैं फिर स्टार्ट। सबसे पहले दही डालेंगे, चम्मच करीम, मीठी भी हो सकती है तो इसलिए कम डाल रहा हूँ मैं। काली मिर्च, नमक, अदरक, धनिया जितने भी हैं ये मैंने पूरे पूरे डाल दिया, बिल्कुल मिक्स करेंगे। तो बीच में मैं नींबू नहीं बता सका, मेरे पास नींबू नहीं है तो उसका रस पड़ा हुआ है, तो 1.5 चम्मच ये डालूंगा मैं। आप अपने हिसाब से डालें, मैं थोड़ा ज्यादा डालूंगा। अब इसमें लगाएंगे, इनके ऊपर मसाला लगाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने मसाला लगा दिया इसके ऊपर जितना भी था, तो मेरे पास सीखे नहीं है तो मैं इसमें बनाऊंगा, क्योंकि जो मैंने पीस किए हैं बहुत बड़े किए हैं, छोटे नहीं हैं, बारीक 8 पीस किए हैं टोटल, तो मैं इसमें बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दूंगा। अभी मैं दूसरी रेसिपी की तरफ चलता हूँ। आज मुझे बनाना है खाना, तो मैं बनाऊँगा आज चने की दाल, तो इसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलते हैं फिर, इसको रखते हैं 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में मैं अपनी चने की दाल रेडी कर लेता हूँ। मुश्किल से आग लगी है क्योंकि हवा भी बहुत तेज है, छत के ऊपर है तो आग लग गई। अब इसके कोयले बनाएंगे अच्छे से ज़्यादा करके, फिर उसके बाद टिक्के बनाएंगे। साथ में राइस बनाऊंगा मैं, जो इलेक्ट्रिक चूल्हा मैंने रख लिया है बाहर ही, तो इसमें मैंने मसाले डाले सिर्फ ज़ीरे वाले, जो गरम मसाला वो डाल के सिर्फ उसके चावल बनाऊंगा, साथ में बिरयानी मसाला डाल दूंगा थोड़ा सा। तो हमारे कोयले बस नज़दीक आ गए हैं, थोड़े से ही रह गए हैं, बस आग ये बस ख़त्म हो गई, तो उसके बाद शुरू कर देंगे हम अपने टिक्के बनाने। तो मैंने पूरे पीस डाल दिए हैं, अभी कोयले के ऊपर इसको रखेंगे।
तो मैंने ऊपर कोयले के ऊपर रख दिए, देखते हैं हम लोग आ साथ गया। में चावल में पानी भी डाल दिया है, उबाल आ गया है बस। तो लड़का है मेरे साथ तो पानी निकालेंगे उससे। तो मैंने साथ में मिर्ची जो है ना तिल में लगा दी है मैंने, तो मैंने टमाटर और मिर्ची भी लगा दी है सीख में। तो बाद में इनको भी कोयले के ऊपर बनाऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता रहूंगा। और साथ में हमारे राइस भी आ गए हैं, उबाल आ रहा है इनको। और के एक तो पलटी दे रही है मैंने, क्योंकि थोड़ा सा ये मसाला जो लगा हो थोड़ा सूख जाए, तो दोबारा भी मैं पलटी देता हूँ, ज़्यादा जले नहीं। पुराने मसाला डाल के अब इसको अच्छी से दम लगाना है, ताकि हमारे चावल अच्छे से रेडी हो जाए। तो बस एक साइड पे थोड़ा सा हो गया है, अभी बाकी है ये साइड, वो तो हो गई है। अभी पलटी किया है तो एक और पलटी करने के बाद हमारा रेडी हो जाएगा। और साथ में हमारी बिरयानी, वाइट बिरयानी बस रेडी हो रही है, वो बस दम में ही है, हल्का हल्का। तो हमारे टिक्के रेडी हो गए, थोड़े थोड़े से ऊपर से जो मसाला था वो हल्का हल्का सा जल गया है, आग थोड़ी सी तेज़ थी, कोयले थोड़े तेज़ थे तो इसलिए, मगर फिर भी ठीक है, बन गए, पक गए अच्छे। थोड़ा टिक्का थोड़ा सा जलेगा तो तब जाके पकेगा, अगर नहीं जलेगा तो कच्चा कच्चा रहेगा, कच्चापन रहेगा तो खा नहीं सकते। तो बस थोड़ी सी देर है, इसके बाद डिश आउट करते हैं। फिर साथ में हमारे चावल भी रेडी हो गए हैं, मिर्ची डाल दी मैंने ऊपर, ग्रीन चिली। तो रेडी हो गए हैं, अभी डालेंगे इनको, डिश आउट करेंगे। बहुत गर्म है, यम्मी टिक्का हमारा रेडी हो गया। तो देखिए हमारी डिश रेडी हो गई, बड़े मज़ेदार चावल भी हैं, साथ में टिक्का भी है, टमाटर हैं, मिर्ची है, तो बड़ी ज़बरदस्त बन गई। तो इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर बहुत ही जल्द मिलूँगा किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में ज़रूर याद रखना, और अपने लिए भी, अपने अलहाना को सबके लिए दुआ करो, और पाकिस्तान के लिए भी। तो ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। कि हम खाएंगे तो हम, मेरे साथ एक रूम पार्टनर ही है मेरे साथ, ये भाई है मेरा ही, समझो तो गांव का ही लड़का है, बस बैठा हुआ आते हुए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस आप सब लोग? तो बस अभी खाएंगे, ट्राई करेंगे, चलो चेक करें, देखें कैसे बने। कैसे बने आते हैं? माशाल्लाह जी, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे।